हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओनली स्मार्ट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एनालॉजी के ऊपर। एनालॉजी में क्या होता है, एनालॉजी आप लोगों को पता ही है एनालॉजी में क्या क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिर भी एनालॉजी का आज और एक सेशन होगा जिसमें क्या होगा, कुछ सेट ऑफ नंबर दे देगा, सेट ऑफ नंबर्स हम लोगों को दे देगा, सेट ऑफ नंबर दे देगा और ऑप्शन में चार या पांच सेट ऑफ नंबर्स रहेगा। तो आप हम लोगों को निकालना है कि जो सेट ऑफ नंबर हम लोगों को दे दिए उसी तरीके का और कितना कितना सेट ऑफ नंबर है, तो उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सेट ऑफ नंबर दे दिया कि 18, 8, 13 और 18, मान लो ये एक गिवन सेट दे दिया, मतलब सेट ऑफ नंबर दे दिया और हम लोगों को निकालना, हम लोगों को चार ऑप्शन दे दिया। मान लो ये ऑप्शन दे दिया 4, 9, 12, मान लो ऐसे भी दे सकता है 5, 16, 18 और एक दे दिया 6, 11, 16 और एक दे दिया मान लो 12, 18 और 17, ऐसे मतलब चार दे दिया। तो हम लोग को देखना है कि जो सेट हम लोग को दे दिया, जो नंबर हम लोग को दे दिया, उसी तरीके से हम लोग को वो जो सेट हम लोग को है उसमें जो सिमिलरिटी है नंबर के बीच में, नंबर के अंदर, उसी सिमिलरिटी इधर कौन सा मतलब ऑप्शन में उसके सिमिलरिटी सेम है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। देखिए 8 से 13 तो कितना ज़्यादा है, देखिए 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो 13 से 18 तो कितना ज़्यादा है, देखो 5 ज़्यादा है, तो मतलब 5-5 इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो देखो इधर क्या कितना हो रहा है, देखो 5, लेकिन इधर कितना होता है, ये 4 हो रहा है। देख इधर देखो कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 11 ऐड हो गया। इधर देखो 6 से 11 कितना हो रहा है, ऐड 5 ऐड हो रहा है, और 11 से 16 कितना हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। मतलब इधर भी जैसा था 5-5 करके इंक्रीज हो रहा था, इधर भी 5-5 करके इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। कुछ सेट ऑफ नंबर दे देगा, उसी तरीके से हम लोग को ऑप्शन को देख के वो जो सिमिलरिटी है नंबर के बीच में, उसी तरीके से ऑप्शन में कौन सा सेट ऑफ नंबर में वो सिमिलरिटी है। इधर 3 भी नंबर दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकता है, तो मिनिमम 3 देता है। ठीक है, तो हम लोग तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिये मैंने कुछ क्वेश्चन बना के रखा है इधर, तो उसको सॉल्व कर लेते। तो पहले देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 3, 7, 15 और चार ऑप्शन दे दिया, गिवन सेट दे दिया, चार ऑप्शन दे दिया, तो इसमें जो सिमिलरिटी होगा इसमें भी सेम सिमिलरिटी हम लोग को निकालना है। तो देखिए 3 से 17 कितना ज़्यादा है देख लीजिए। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, और 7 से 18 कितना ज़्यादा है, देखो 8 ज़्यादा है। मतलब इधर 4 ज़्यादा है और इधर 8 बड़ा है, तो उसी तरीके से इधर भी हम लोग को देखना है कौन से में 4 ज़्यादा है और 8 ज़्यादा है। देखिए ये जो ऑप्शन है सी में, इधर देखिए 5 से 9 4 ज़्यादा है, और 9 से 17 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो इधर भी जो है इधर भी ये सेम है, तो हम लोग का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 3, 18, 36। देखिए 3 से 18 क्या हो रहा है, देखिए कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। 3 से 18 6 गुना हो रहा है, और 18 से 36 कौन कितना गुना हो रहा है, 18 का 2 गुना हो रहा है। तो मतलब ये पहला नंबर 6 गुना होके सेकंड नंबर आया, सेकंड नंबर 2 गुना होके थर्ड नंबर आया। तो इसी तरीके से ऑप्शन में अगर देखेंगे तो देखिए ये जो ऑप्शन है, देखो पहला नंबर जो है वो 6 गुना करके देखो 4, 6 24 हो गया, और 24 को 2 गुना करके हम लोग का हो गया 48। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 63, 49, 35। तो देखो 63, 49, 35 ये जो नंबर है ये नंबर 7 से डिविजिबल है, हर एक नंबर 7 से डिविजिबल है। पहला नंबर देखते 63 7 से कितना गुना है, 7 से 60 गुना से 9 गुना है। फिर देख रहे 49 कितना गुना है, 7 गुना है, और 35 कितना गुना है, देखो 5 गुना है। तो मतलब तीनों नंबर 7 से डिविजिबल है, अलग अलग नंबर को गुना करके। तो इसी तरीके से देखना है सेम नंबर से डिविजिबल 9, 7 और 5 गुना। तो देखिए 81 देखो 9 से अगर गुना करें 9 तो हम लोग को मिलता है 81। फिर देखिए 63
तो 69 से कितना गुना करें, 7 गुना करें, 63 मिल जाएगा, और 9 से अगर 5 गुना करें तो हम लोग को मिल जाएगा 45। तो देखो इधर भी मतलब 7 से 9 गुना 7 गुना 5 गुना था, तो इधर भी 9 से 9 गुना 7 गुना 5 गुना था, तो सिंपल हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 214 16 तो देखिए 2 से 14 कितना ज्यादा है, 2 से 14 हम लोग को 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है, और 14 से 16 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो पहले पहला नंबर से 12 प्लस हुआ, सेकंड नंबर से 2 प्लस हुआ। इसी तरीके से ऑप्शन में अगर देखोगे तो देखो ये जो ऑप्शन है, देखो पहला नंबर से कितना ऐड हो रहा है, 12, और सेकंड नंबर से कितना ऐड हो रहा है, 2, तो हम लोग का आंसर हो गया ये। तो ऑप्शन बहुत ही जरूरी है, ऑप्शन को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखो 32 24 8, तो देखो 8 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है, 8 से अगर 3 गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 24, और 8 से अगर 4 गुना करेगा तो कितना मिलेगा, 32, मतलब ये नंबर से दोनों ही डिविजिबल है। तो इसी तरीके से अगर देखोगे तो देखो कोई सिमिलरिटी है का होगा, कुछ नहीं है, कोई डिविजिबल का कोई सिमिलरिटी नहीं। और कैसे देखोगे, देखिए 32 24 और 8, 32 और 24 के बीच में कितना गैप है, देखिए 8 गैप है, कितना गैप है, 8, और 8 से 24 के कितना गैप है, 16 गैप, मतलब 8 से 16 ज़्यादा हो गया, प्लस हुआ इस 24 मिला, 24 से 8 प्लस हुआ तो 32 मिला। तो इसी तरीके से अगर देखोगे ऑप्शन में तो देखो 0 से अगर 16 ऐड हो गया तो आप लोग को कितना मिला, 16, और 16 से अगर 8 ऐड होगा तो हम लोग को कितना मिला, 24, मतलब इसका जैसा ये है, इसमें 16 और 8 ऐड हो रहा है ये नंबर से, इससे भी ये नंबर से 16 फिर 8 ऐड हो रहा, तो इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, सेट ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखो इधर 4 नंबर है, 4 भी दे सकता है, तो 7 12 22 37, तो 7 से 12 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 12 से 22 कितना ज़्यादा है, देखो 10 ज़्यादा है, 22 से 37 कितना ज़्यादा है, देखो 15 ज़्यादा है, मतलब जो नंबर ज़्यादा है डिफरेंस क्या हो रहा है, 5 करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पहले डिफरेंस था 5, फिर डिफरेंस हो गया 10, फिर डिफरेंस हो गया 15, मतलब 5 करके इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर देखोगे तो देखो ऑप्शन में देखना किधर ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, देखो इधर जो ऑप्शन है 3 से 8 देखो 5 इंक्रीज हो रहा है, 8 से 18 देखो 10 इंक्रीज हो रहा है, 18 से 33 15 इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट देखो 1 8 27, देखो 1 जो है एक क्यूब नंबर है, किसका क्यूब है, 1 का क्यूब, 8 देखो 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 इसका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। इसी तरीके से क्यूब नंबर देखना है, देखो ये जो ऑप्शन है इसमें ये 64 है 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, और 2 2 3 16 6 का क्यूब, तो सेम टाइप का है, तो गिवन सेट सेम सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 22 18 15, देखो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, देखो 15 से 8 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 18 से 22 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो मतलब जो डिफरेंस है वो इधर एक इंक्रीज कर रहा है और इधर से एक डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर देखोगे ऑप्शन में तो देखना, तो देखो ये जो ऑप्शन है 19 से 22 कितना ऐड हो रहा है, 3, 22 से 26 4, और 26 31 5, मतलब सेम टाइप का डिफरेंस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, देखो 9 नंबर 2 10 28, तो 2 से 10 कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया, और 2 से 28 कितना गुना हो गया, 14 गुना हो गया, मतलब पहला नंबर सेकंड नंबर 5 गुना, थर्ड नंबर 14 गुना, तो इसी तरीके से 4 से 20 मतलब कितना गुना, 5 गुना, और 40 से 56 कितना गुना, 14 गुना, तो सेम हो गया, तो ये आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 981 729, देखो 9, ये 9 का क्या है, स्क्वायर है, और 729 का क्या है, क्यूब है, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, मतलब जो नंबर है उसका स्क्वायर है फिर क्यूब है। इसी तरीके से अगर देखोगे ये 7, ये 27 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 7 का क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से बहुत ही जल्दी से एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना। फिर देखो 4 9 25, तो 4 2 का स्क्वायर है,
नाइन थ्री का स्क्वायर, 25 फाइव का स्क्वायर, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, 3, 4, 2, 3, 5। तो इसी तरीके से ये देखो 4, 2 का स्क्वायर, 25 देखो 5 का स्क्वायर, 26 देखो 36 का स्क्वायर, लेकिन ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है, 2, 5, 6 मतलब आसपास तो नहीं है, 2 के बाद गैप है, इधर देखिए कोई गैप नहीं था। इसी देखो 9, 3 का स्क्वायर, 16, 4 का स्क्वायर, 25, 5 का स्क्वायर, देखो कोई गैप नहीं है, सिर्फ एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। तो इधर भी 2, 3, 5 था, इधर 3, 4, 5 स्क्वायर दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 2 से 5 बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट में, तो ये पॉइंट में भी दे सकता है, तो 10.5 से 15, तो इसका डिफरेंस निकाले, तो पहले का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4.5 का डिफरेंस है, पहले का डिफरेंस कितना है, 4.5। 15 से 21 ये अगर माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो 6.5 का डिफरेंस है, तो पहले का 4.5 फिर दूसरे का 6.5। तो इसी तरीके से अगर ऑप्शन में देखोगे तो देखो 32.5 से 37, तो ये कितने का डिफरेंस है, 4.5 का, ये 4.5 का डिफरेंस है, और 37 से 43 कितने का डिफरेंस है, 6.5, तो मतलब सेम डिफरेंस सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है 0, 12, 18, 21, ये नंबर दिया हुआ है। देखो 0 से 12 कितना ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, फिर देखो 12 से जो 18 कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, और 18 से 21 कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो नंबर ऐड हो रहा है वो नंबर हाफ होके ऐड हो रहा है, मतलब 12 था वो हाफ हो गया, 6 हो गया, फिर ये नंबर भी हाफ होके 3 हो गया, तो हाफ हाफ होके ये ऐड हो रहा है। इसी तरीके से ऑप्शन को भी देखना, ऐसे कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, देखो ये जो ऑप्शन है, देखो 4 से 20 तो कितना हो रहा है, देखो 16, 20 से 28 कितना हो रहा है, देखो 8, और 28 से 32 कितना हो रहा है, देखो 4, मतलब जो जो गैप आ रहा है वो हाफ हो रहा है, देखो 16 ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, इधर भी हाफ हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। बाकी भी देख लेते, बाकी देखो ये देखो 9, फिर देखो ये ज़्यादा हो गया, 9 ये मतलब 4 हो गया, इतना डिफरेंस, ये हाफ नहीं हो रहा है, इधर भी देखो इधर तो नहीं हो रहा है, इधर तो कम हो गया, ज़्यादा होना चाहिए था, इधर भी देखो, इधर भी जो डिफरेंस है, इधर 2 है और इधर डिफरेंस 8 है, मतलब हाफ नहीं हो रहा। नेक्स्ट देख लेते 1, 5, 12, तो देखो 1 और 5 अगर ऐड करोगे, 1 और 5 को ऐड किए तो कितना हो रहा है, 6, और 6 का ये क्या हो गया, डबल, 6 into 2, मतलब ये दोनों नंबर को ऐड करके ये डबल हो रहा है। इसी तरीके से अगर ऑप्शन को देखोगे तो देखो 4 और 8 इसको अगर प्लस करोगे तो 12 हो गया, 12 का डबल ये हो गया 24, 12 into 2, तो मतलब पहला दो नंबर को प्लस करके फिर उसका डबल, तो इसी तरीके से ये आंसर क्या हो जाएगा, गिवन सेट क्या हो जाएगा, बी। और लास्ट वाला देख लेते हैं 6, 36, 63, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 इसकी ये क्या है, 6 का स्क्वायर, तो इसी तरीके से ऑप्शन को भी देख लेते हैं 7, 7 का स्क्वायर, 8, 8 का स्क्वायर, ये देखो ये स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया, तो बाकी दो बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ देते 36 ये क्या हो गया, 63, मतलब ये उल्टा हो गया, मतलब घूम गया, ठीक है, डिजिट जो है वो अदल बदल हो गया, मतलब ठीक है, तो 36 क्या हो जाएगा, हो गया 63, अदल बदल हो गया। तो इसी तरीके से ये अदल बदल नहीं हुआ, लेकिन ये 64 क्या हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये था सिंपल जो हम लोग का जो गिविन सेट होता है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो इसी तरीके का बोर्ड भी क्वेश्चन अगर घर में जो भी बुक्स हो उससे सॉल्व करो। और ये जो सेशन है आज का, ये कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ, और मेरा जो ये चैनल है ओनली स्मार्ट एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लो, जैसे क्योंकि और भी ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उसके बारे में तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मेरा नाम है शुभदीप, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।